तो गूगल जो है अपना गूगल पिक्सल 4 तो किसी कारण इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाया था, लेकिन उसका जो अगला वेरियंट आएगा गूगल पिक्सल 4 है वो जल्दी वो इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग में है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पिक्सल 4 है वो 3A का जो है सक्सेसर होने वाला है और ये जो है एक बजट सेगमेंट में आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गूगल पिक्सल 3A को भी इतनी कुछ पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता गूगल पिक्सल 4A के साथ भी ऐसा होने वाला है। गूगल पिक्सल 4A जो डिवाइस देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें इसकी पूरी की पूरी एक हैंड्स ऑन वीडियो देखने को मिली है जो कि एक लीक्ड वर्जन है। आज हम उस वीडियो के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे, पूरी वीडियो दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिल रही हैं, कैसा उसके अंदर प्रोसेसर है, कैसा उसके अंदर कैमरा है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। बात करें यहाँ पर फोन की जो लीक्स है वो सबसे पहले निकल कर बाहर आई थी फोटोग्राफ्स के थ्रू, और फोटोग्राफ्स में जो है फोन इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा था, बट जब इसकी एक हैंड्स ऑन वीडियो लीक हुई है उस वीडियो में ये फ़ोन ज़्यादा काफ़ी देखने में वो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। फ्रंट साइड जो है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने को। फाइनली गूगल ने जो है बिंदी नॉच के यहाँ पे इस्तेमाल करा है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बात करें पीछे से बैक साइड की इसकी, तो बैक साइड जो है मैट ब्लैक का फिनिश देखने को मिलता है सिंगल कैमरे के साथ। जो इसका जो कैमरा है वो गूगल पिक्सल 3A में जो कैमरा एक्चुअली सेम ही कैमरा यूज़ करा हुआ है। बाकी हम सभी जानते हैं गूगल के जो कैमराज हैं वो काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और फोटोग्राफ्स जो उनसे काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। और बात कर लें इसकी साइड की बेजल्स की, तो बेजल्स इसमें जो है हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक बिंदी नॉच देखने को मिलती है। नीचे जो है चिन भी इतनी ज़्यादा मोटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो फोन देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें अगर हम इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में जो हमें इसको स्नैपड्रैगन 730 मिलेगा जो कि 730G से थोड़ा कम एफिशिएंट है। यहाँ पर मेरा मानना है कि 730G तो एटलीस्ट होना चाहिए था। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो है IPS LCD पैनल के साथ हमें देखने को मिलेगी, जिसका स्क्रीन साइज होगा 5.81 इंचेस जो कि 19.5:9 रेशियो के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगी, जिसकी पिक्सल डेंसिटी होगी 444। अगर हम बात कर लें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 10 के साथ आपको देखने को मिलेगा। रैम जो है आपको 6GB की मिल जाएगी और जो रोम है आपको 64GB को देखने को मिलती है, अभी जो लीक वीडियो में हमारे सामने आई है। स्टोरेज आपको UFS 2.1 देखने को मिल जाएगी, और अगर हम इधर कैमरे की बात करें तो 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल जो है आपको कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल कैमरे हाउसिंग के साथ आपको मिलता है, एक सिंगल कैमरा विद फ्लैश। और फ्रंट में बात करें हम तो 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलेगा जो कि ऑटो HDR के साथ मिलेगा, जिससे आप फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो USB Type-C देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा आपको बैक की साइड जो कि रियर में माउंटेड है, और कलर जो है भी आपको ब्लैक देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात कर लें, तो बैटरी जो है वो 3080 mAh की बैटरी है। बैटरी मुझे इतनी दमदार नहीं लग रही है, अभी हमें कुछ फास्ट चार्जिंग का भी इसमें नहीं पता है, जब गूगल रिवील करेगा अब ये तो तभी पता चल सकता है। बाकी लीक्स और रूमर्स में आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में आपसे मिलता रहूंगा, ऐसी ही कुछ ना कुछ टेक न्यूज आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।